इम्पोज है जिससे हमें सी की वैल्यू निकल जाएगी फाइनली हमें फाइंड आउट करना है फंक्शन ऑफ पाए पाइबा फोर की वैल्यू कौन सी ऑप्शन होगी सबसे पहले इंटरग्रल को ध्यान से देखेंगे

जिसके लिए हम टी माइनस वन बाई टी को एम डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू तो की वैल्यू आ जाएगी नेक्स्ट ध्यान देना को को हमने लिया था एम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड की वैल्यू आ जाएगी M square plus 2. In terms of M हमारे पास आवे इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय स्क्वायर प्लस रूट टू का होल स्क्वायर डीएम हमें ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई ए का इंटीग्रेशन होता है one by a, inverse x by a plus c. इसे इंप्लीमेंट करेंगे given question पे. तो finally हमारे पास आ जाएगी वाई इन टर्म्स ऑफ एम वन बाय रूट टू टेन इनवर्स ऑफ एम बाई रूट टू प्लस सी एम की वैल्यू हम लोगों ने टी माइनस की थी तो इन टर्म्स ऑफ़ जब एक्स की वैल्यू पाई बाई टू है तो हमने टी को लिया था साइन एक्स टी की वैल्यू आ जाएगी साइन नाइनटी होती है वैल्यू आ जाएगी वन फाइनली हमारे पास सी का वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगी जीरो नेक्स्ट हमें ध्यान रखना फोर हमें फाइंड आउट करना है सो एक्स so, की वैल्यू जब पाइबा फोर होगी तो टी की वैल्यू आ जाएगी फोर साइन फोर्टी फाइव वन बाई रूट टू होती है फाइनली कैलकुलेट करके हमें वन बाई रूट टू टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय टू दैट इज ऑप्शन सी ये क्वेश्चन जेई मेन्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है एंड सीबीसी के जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है इवन जो नॉर्मल बोर्ड एग्जाम्स होते अदर स्टेट बोर्ड के उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू